सलाम अलैकुम। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट अब हमें करना है। तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 2x² - 6x + 3 = 0। तो क्वेश्चन के एतबार से देखें कि पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि ए का वैल्यू 2 है, यहाँ पे बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू जो है दैट इज -3। नाउ व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट डी दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, इट्स वैल्यू इज b² - 4ac। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0 आता है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह के रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ पे हम देखें b² दैट इज -6² -4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी दैट इज +3। सी इज +3। नाउ 6 6s are 36 एंड +36, -6 into -6 दैट इज +6। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। -4 2s are 8 3s are 24। तो डी का वैल्यू जो हमें मिल रहा है दैट इज 12, विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमें पता चला कि सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, सो टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो जबकि दो अलग अलग तरह के रूट्स हमें मिल रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड देम आउट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है मैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू -b + -√ of b² - 4ac दैट इज डी डिवाइडेड बाय 2a। तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा -(-6) - b + -√ of d। डी का वैल्यू अभी हमने देखा दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2 into a, a इज 2, 2 2s are 4। तो ये हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा, दैट इज x विल बी इक्वल टू -(-) दैट इज +6, 6 प्लस माइनस, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे दो स्टेप्स में लिखूँ, 6 प्लस √12 / 4 और 6 - √12 / 4। √12 का अगर हम वैल्यू देखें 12 के फैक्टर्स में, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 12 की, दैट इज 2 6s are 2 3s are, मीन्स इट इज 2² × 3। तो वी कैन राइट 12 एज 2² × 3। 2 का जो अंडर रूट और स्क्वायर है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 का रह जाता है, दैट इज 2√3। तो 12 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2√3। सो वी कैन राइट एक्स विल बी इक्वल टू 6 प्लस 2√3 / 4 और 6 - 2√3 / 4। अब हम ऊपर के जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी दिस 2 इज डिविजिबल बाय 2 एंड दैट 2 1 इज डिविजिबल बाय 2, तो डिनोमिनेटर भी डिविजिबल बाय 2 है। तो हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 3s are 2 1s are। तो फाइनल वैल्यू जो हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा एक्स का, दैट विल बी 3 प्लस √3/2 और 3 - √3/2। तो ये हमें आखिर में जो एक्स का वैल्यू मिल रहा है, दैट इज इट। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें एक कंडीशन दी गई है कि देयर आर 2 इक्वल रूट्स। तो वी नो कि व्हेन देयर एग्जिस्ट 2 इक्वल रूट्स मींस डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट जो हमें दिया गया है दैट इज 2
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हम देख लें कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू के मीन्स द कोएफिशिएंट विद एक्स एंड सी इज इक्वल टू थ्री। और बताया क्या जा रहा है हमें कि दे हैव द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम देखें बी स्क्वायर दैट इज, तो हम लिख सकते हैं बी के बदले के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज टू इंटू सी दैट इज थ्री। तो ये इन तमाम का वैल्यू जो है दैट विल बी जीरो। तो इसी तरह से थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, फोर टू इज़ आर एट, एट थ्री इज़ आर 24, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया कि हमें पहले ही दिया गया है कि द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वो वैल्यू हमें क्वेश्चन के एतबार से क्या दिया गया है कि दैट इज जीरो। तो जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, ए का वैल्यू टू, बी का के, सी का थ्री, तो हमें क्या पता चला कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू चूंकि जीरो है, लिहाजा हमने बी के बदले के लिखा और ए के बदले टू लिखा और सी के बदले थ्री लिखा। तो कहीं और से हमने ये वैल्यूज़ जो है ना नहीं लाए, बस इसी इक्वेशन से ये वैल्यूज़ लिए गए हैं। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो हमें के स्क्वायर जो है ना वो अगर मैं माइनस 24 दूसरी ओर ले जाऊं तो प्लस 24, के स्क्वायर इज इक्वल 24 ये वैल्यू हमें फिलहाल मिल रहा है। लेकिन हमें चूंकि एक के का वैल्यू चाहिए, के स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, तो वो हम अगर हम एक के का वैल्यू ढूंढना चाहें तो ये स्क्वायर यहाँ पे ख़त्म करने के लिए दूसरे साइड में ये अंडर रूट लगाना जरूरी है, अंडर रूट 24, इट शुड बी अंडर रूट 24। लेकिन हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ पे रूट लगाते हैं तो वहाँ पे प्लस भी हो सकता है, फिर वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। फिलहाल अगर हम मैं 24 के फैक्टर्स देखूं, हम लिख सकते हैं टू इंटू ट्वेल्व, टू इंटू सिक्स, टू इंटू थ्री मीन्स इट इज टू स्क्वायर इंटू टू इंटू थ्री आर टू स्क्वायर इंटू सिक्स। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 24 की तो वी कैन राइट इट एज टू स्क्वायर इंटू सिक्स, मीन्स के का वैल्यू जो है दैट विल बी प्लस माइनस टू स्क्वायर इंटू सिक्स। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर एक नंबर पे स्क्वायर है और रूट भी है तो वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, तो दो जो है ना टू ये बाहर आ जाएगा, मीन्स इट विल बिकम प्लस माइनस टू अंडर रूट सिक्स। और वी कैन से दीज आर एक्चुअली टू वैल्यूज, मीन्स के इज एदर इक्वल टू टू अंडर रूट टू आर के कैन बी माइनस टू अंडर रूट टू इन बोथ द केसेस। अगर हम के का वैल्यू चाहे टू अंडर रूट टू लें या के का वैल्यू माइनस टू अंडर रूट टू लें, तो उस दोनों सूरत में जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, चाहे हम के बदले टू अंडर रूट टू लें या माइनस टू अंडर रूट टू लें, इनमें से कोई भी वैल्यू लें, तो इस हिसाब से जो ये इक्वेशन हमारी है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यानी अगर हम के का वैल्यू टू अंडर रूट टू लें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एदर दिस विल बी द इक्वेशन और द इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म टू एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री
इज इक्वल टू जीरो. सो दीज आर द टू कंडीशन इन विच इट विल सेटिस्फाई इट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो.